हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और चाहे जहां पर भी होंगे एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट, आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। आज कितना तारीख है, आज 30 तारीख है, 30 मार्च है, ठीक। तो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो कब तक आएगा आपका रिजल्ट। दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट, दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए 30 मार्च तो हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अप्रैल लास्ट वीक यानी कि लास्ट सप्ताह, अप्रैल अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है। अंतिम सप्ताह, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है, बोले तो 25 से 30 तारीख के अंदर जारी हो सकता है। अगर अप्रैल के लास्ट वीक में नहीं जारी हुआ तो यूपी बोर्ड द्वारा आपका रिजल्ट अप्रैल है ना, तो मई में जारी कर दिया जाएगा। मई के पहले ही सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, मई के पहले ही सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। और जो है आप लोगों को ये भी डाउट होगा कि अगर हम हिंदी में फेल हो जाते हैं तो क्या सब विषय में फेल हो जाएंगे। तो हाँ, ये सही बात है कि अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो सब विषय में फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी एक ही विषय में अगर फेल होते हैं तो सब विषय में नहीं फेल होंगे। जैसे कि अगर आप सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाते हैं, सामाजिक विज्ञान ऐसे अन्य सारे विषय हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश और मैथ और ऐसे है ना, लेकिन आप इन सभी विषयों में फेल हो जाते हैं तो आप नहीं फेल होंगे। आपको एक कंपार्टमेंट मिलेगा जिससे कि आप उस फॉर्म को भर के अप्लाई कर सकते हैं और उसका परीक्षा दे सकते हैं और फिर से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो सब में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी हों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।